क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मशीन्स। नंबर ऑफ मशीन्स के लिहाज से सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल ड्राइव, ग्रुप ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, इनको ना हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ग्रुप ड्राइव, इसमें देखिए सारी मोटर्स जो हैं एक ही ग्रुप की फॉर्म में एक ही सिस्टम के साथ चल रही होती है। ठीक है, जब सारी मोटरें एक ग्रुप में चल रही होती हैं तो सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है ना। एक ही सिस्टम एक ही ड्रिवन सिस्टम के साथ या एक ही ड्राइव के साथ, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से सारी मोटर्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है। ठीक है, एक ही ग्रुप में सारों को चलाया जा रहा होता है। लेकिन यह है कि जब देखें इसमें मोटर्स, इस केस में जब सारों को एक ही सिस्टम से चलाया जा रहा तो इसकी एफिशिएंसी और फॉल्ट्स का इश्यू होता है। इसी तरह इंडिविजुअल ड्राइव में हर मोटर को अलग-अलग चलाया जा रहा होता है। ठीक है, जब हर मोटर को अलग एक इंडिविजुअल मैकेनिज्म से चलाया जाता है तो उस केस में क्या होता है, पावर लॉस ज्यादा होता है लेकिन सिस्टम जो होता है हमारा एफिशिएंट होता है। जैसे हमारे पुलिस होती हैं, गियर सिस्टम होता है। तो ग्रुप ड्राइव में एक साथ चला रहे होते हैं, इंडिविजुअल ड्राइव में क्या करते हैं, हम हर एक सिस्टम को अलग-अलग मैकेनिज्म से चला रहे होते हैं। मल्टी मोटर ड्राइव, इस केस में जो सिस्टम का मैकेनिज्म है वो एक सेपरेट ड्राइव मोटर से चलाया जा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ इंडिविजुअल सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो हर एक चीज का अपना ओन मैकेनिज्म होता है। जब मल्टी मोटर ड्राइव में हर मोटर अपना इलादा से मैकेनिज्म के साथ चलती है और उनको एक इलादा ड्राइविंग के लिए एक इलादा से मोटर लगाई जाती है। ठीक है, जब ऐसा काम किया जाता है तो सिस्टम जो होता है अब आप उसको चला सकते हैं, रोक सकते हैं अपनी मर्जी की मदद से। आप मशीनों को, सिस्टम को शट डाउन किए बगैर मसले हल कर सकते हैं। सिस्टम हमारा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, क्योंकि आपने ड्राइव का पूरा मैकेनिज्म इलादा लगा दिया। जब सिस्टम को ड्राइव करने के लिए एक इलादा मल्टी मोटर, एक और मोटर आपने लगा दी तो इस केस में इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसकी इनिशियल कास्ट बहुत ज्यादा हो जाती है।